फिल्टर स्केल के बारे में बताते हैं। फिल्टर स्केल में बिलिंग कैसे करते हैं, आइटम को ऐड कैसे किया जाता है, डेली का रिपोर्ट कैसे लिया जाता है, उसके बारे में दिखाता हूँ। ये फिल्टर स्केल है, इसका यूज रिपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। ये पीछे की साइड का व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे भी पूरा डिटेलिंग रहता है कस्टमर वाइज। में इसमें आपको ऐसे का को लगाने की जगह दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, एडजस्टेबल लेग दे रखे हैं, जिससे आप सरफेस के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। वेट के हिसाब से जो भी वेट होगा आपका डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। आपको बिलिंग कैसे करते हैं दिखाया था, जो भी आइटम्स आपका रहेगा वो सब आइटम बिलिंग वेट के हिसाब से ट्रीट होता है। जो भी आपका आइटम कोड हो उसको कोड दबा करके एंटर दबाएंगे तो आइटम का नाम, उसका रेट और वेट आ गया, आपके उसके हिसाब से कितना पैसा कन्वर्ट हो गया वो डिटेलिंग यहाँ पे शो करेगा। उसको हम एम प्लस करके ऐड कर देंगे। सेकेंडली आइटम सेकेंड को दूसरा आइटम रहेगा, उसको अपना वो नंबर दबाया, एंटर दबाया, सेकेंड आइटम आपको डिस्प्ले पे आ गया, उसको भी एम प्लस करके ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप मल्टीपल 50 आइटम्स तक उसमें एक ही बिल में आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आप दस दबा करके आप प्रिंट निकालेंगे और वेट रिकरिंग के साथ में प्रिंट आ जाएगा। अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसके आइटम्स ऐड कैसे करते हैं, तो शॉप का नाम कैसे डालते हैं, उसके लिए डिजाइन करते हैं हम लोग। और एंटर दबाएंगे, उसके बाद में इसका पासवर्ड देंगे, आपको वेट सेटिंग लिख रहा आएगा। इसके बाद में हम लोग आप मोर बटन दबाएंगे, सिस्टम सेटिंग लिख रहा आएगा, उस पर एंटर करेंगे, आपको प्यूर एडिट लिख रहा आएगा। प्यूर एडिट में जो भी आइटम्स के नाम है आपका वो डिटेल डालते हैं। सबसे पहले हम लोग आपका शो का नाम डालने की बताते हैं, इसके लिए एक बार मोड दबाएंगे और फिर एक बार दोबारा से मोड दबा के आपको अदर एडिट लिखा आएगा, उस पर एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो आपको हेडर वन लिख रहा आएगा, हेडर वन पर एंटर करेंगे, आपका कर्सर नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा, उसको सी दबा कर कार्ड भी करते हैं। यहाँ पे कार्ड के जो भी आपका स्टोर का नाम है वो नाम देंगे। मैंने आपका एग्जाम्पल एबीसी स्टोर लिख देता हूँ। जीरो बटन से स्पेस देंगे, मैं स्टोर करके एंटर दबा देता हूँ। और इसी तरह से जो भी आपका हेडर टू में, हेडर थ्री में जो भी आपका एड्रेस है वो हम लोग ऐसे ही इसी तरह डाल देंगे, मोर से आगे बढ़ते जाएंगे। इसको भी आपको एड करना, उसको एंटर दबा के उसी फील्ड में जाए चले जाएंगे। जो भी काटना है ना आपको इसकी जगह जो भी आपको एडिट करना है वो एडिट कर देंगे, फिर से एंटर दबा देंगे, फिर मोर से आगे जाते जाएंगे। आपको डिटेलिंग दिखते जाएगा कि फुटर एडिट में जो फुटर है वो तीन लाइन का आपको हेडर मिलेगा इसमें एंटर करने के लिए। उसके होने बाद हम एग्जिट दबा के बाहर निकल जाएंगे। ये इस तरह से पूरा सिस्टम से हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। मैंने एबीसी स्टोर डाला था नाम इसमें, आप देख रहे हैं आपका दुकान का नाम इसमें एडिट हो चुका है। जो हम लोग वो भी आइटम को एडिट करके देखते हैं, आइटम इसमें कैसे प्रिंट कर जाते हैं, उसका रेट डेली चेंज कैसे करते हैं। आल्ट और एम प्लस दबाएंगे, पासवर्ड देंगे, आपको रेट सेटिंग आएगा, वो बटन दबाएंगे, सिस्टम सेटिंग लिखा आएगा, एंटर दबाएंगे, प्योर एडिट आएगा। हम लोगों को प्योर एडिट में एंटर करना है, इसके लिए एक बार एंटर दबाएंगे, आपको नंबर दिखाएगा कौन से नंबर पर आपको आइटम ऐड करना है। तो कुछ को मेरे को एक नंबर से चालू करना है, एक नंबर दबा के एंटर दबाएंगे। जो भी आइटम ऑलरेडी पहले से फिलेड है उसका नाम इसमें आ जाएगा, उसकी जगह हम लोग जो भी आइटम अपने हिसाब से डालना चाहते हैं उसके लिए हम लोग एंटर दबाएंगे। आपको कैसा नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा, सेकंड लाइन पे, उसको सी दबाते का धीरे धीरे देंगे और यहाँ पे नया आइटम का जो भी है उसको डाल देंगे। उसको मैं यहाँ पे मतलब पॉकेट में डाल देता हूँ। उसको डाल देते हैं मैंने पॉकेट नाम प्रिंट कर दिया, फिर से मैं एंटर दबाऊंगा, कर्सर मेरा ऊपर चला जाएगा और मोड से आगे बढ़ जाऊंगा। मोड दबाऊंगा, रेट लिखा आएगा, रेट मैं इसके चेंज कर देता हूँ। इसकी मैं रेट 55 रुपये कर देता हूँ, 55 रुपये करके एंटर दबाना है।
आपका 55 रुपये सेव हो गया। मोड दबाएंगे अपना, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका यूनिट केजी यूनिट आपका लीटर, इसमें सिलेक्शन जो करना, अगर आपको यही आइटम अगर क्वांटिटी वाइज भेजना है जिसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, इसमें ये आइटम बाय डिफॉल्ट केजी में दुबलेगा। अगर आपको क्वांटिटी में भेजना तो यहाँ पे इसको एंटर दबा के यहाँ पे अपन 3 कर देंगे तो ये आइटम का पीस वाइज बिकेगा आपका। अभी हम इस आइटम को केजी में भेजना चाहते हैं तो हम इसको आइटम को वन ही रखेंगे, ये बंद रखा आपने। इसके बाद में हम लोग मोड पर बटन दबाएंगे, टैक्स स्लिप आएगा, इसमें हम मल्टीपल टैक्स स्लिप डाल सकते हैं, जो भी आपका अगर 2% का है 6% का है वो डायरेक्टली आपका स्लिप के हिसाब से फेड उठ जाएगा आइटम। अभी हम लोगों ने इस आइटम में टैक्स को इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए यस कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम नेक्स्ट पीओडब्ल्यू पे आपको ले जाएगा, सेम ऐसे ही प्रोसेस समय में आप करेंगे किसी भी आइटम को। आपको अगर आपको आइटम का नाम ऐड करना तो उसमें एंटर दबा के नीचे वाली विंडो पे जाकर के एनएम ऐड करो, नहीं करना तो ऐसे ही रखेंगे उसको। मोड में जाकर के हम रेट में जाकर के रेट बटन चेंज कर देंगे, मैंने इसको 58 की जगह 50 रुपये कर दिया है। इस तरह से सारे आइटम का आप रेट भी कल चेंज कर सकते हैं। केल अदरक का रेट मेरे को केल चेंज करना है तो मैं केल अदरक में रेट में जाकर के और मेरे को उसको 120 रुपीज करके ऐड कर दिया। तो मैं इस तरह से आइटम मैंने रेट चेंज कर दे रहा हूँ, आइटम जिसका मुझे जरूरत है उसका आइटम मैंने नाम भी चेंज कर दिया है। इसके अलावा कोई नया आइटम आपको डालना है किसी नए फील्ड में, सपोज को मुझे एक नया आइटम 150 पीलो पे डालना है तो 150 पीलो में मार्क दबा के अब देखेंगे यहाँ पे कोई आइटम पे फिटेड नहीं है, पीलो 150 दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अपना इसी तरह से नया आइटम फिट कर देता हूँ, मैंने नया आइटम मेरा ये सपोज करो मेरा यही नया आइटम है, इस ट्रबल गम को मैं इसमें फिट करना चाहता हूँ तो मैं इसका 158 नंबर पे ट्रबल गम नाम से फिट कर दूंगा। और इसका हम रेट डाल देता हूँ 50 रुपये रेट इसका है, ये इस तरह से आपका नया आइटम ट्रिपल गम भी फिल हो गया। अभी इसमें फिलिंग करते हैं आपका 150 का आपने नया आइटम भी ऐड किया था उसको हम लोग रिट्यू करते हैं, 150 दबाया और उसके बाद में एंटर दबाएंगे तो आपका ट्रिपल गम 50 रुपीज़ के हिसाब से आपका आ गया।